तो अगर आप भी अपने कंटेंट को कंटेंट इनटू 100 करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक बार कंटेंट क्रिएट करके उसको अलग अलग सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो, प्लस अपने उसी कंटेंट से अपना खुद का पॉडकास्ट फ्री में बना सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए या फिर दुगनी मेहनत किए बिना। ठीक है, एक बार कंटेंट क्रिएशन से कैसे ये सारा काम हो सकता है इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे जो आपको ग्रो करने में मदद करेगी। तो एक कंडीशन मानते हैं कि आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, ये कंडीशन है, अगर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपने अपने ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट लिख लिया है, ठीक है, वो आपका कंटेंट वहां पर बन चुका है। अब आप क्या करना है, उसमें से आपको कुछ की पॉइंट्स उठाने हैं, पूरा ब्लॉग नहीं उठाना है, उस ब्लॉग में से कुछ की पॉइंट्स उठाने हैं। अब उन की पॉइंट्स के ऊपर आप 5 से 6 मिनट की यूट्यूब वीडियो बना दो या फिर केवल वीडियो बना दो। अगर वीडियो बना ही रहे हो तो उसको यूट्यूब पे डाल दो, फायदा कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसी में से, उस ब्लॉग में से आपने कुछ कीवर्ड्स उठाए और उन कीवर्ड्स के अराउंड आपने एक यूट्यूब की वीडियो बना दी, जो कि 5 से 6 मिनट की एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो आपने बना दी। ठीक है, तो आपका एक ब्लॉगिंग कंटेंट से आपका एक ये वीडियो कंटेंट बन गया यूट्यूब के लिए। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर नहीं हो और आपको कंटेंट क्रिएशन में कुछ दिक्कत आ रही है, आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये वीडियो को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियोस कैसे क्रिएट करोगे या फिर किसी भी टाइप का कंटेंट कैसे आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वो 5 से 6 मिनट की वीडियो बना ली यूट्यूब के लिए। अब आपको क्या करना है, लेट सपोज आप इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट डालना चाहते हो। अब इंस्टाग्राम पर आप IGTV डाल सकते हो, 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हो या फिर रील्स डाल सकते हो। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, या फिर आप फोटो पोस्ट भी डाल सकते हो। अब आपने क्या किया, जो आपकी 5 से 6 मिनट की वीडियो थी, आप वहां पर क्या कर सकते हो, उसको IGTV के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपकी वो 5 से 6 मिनट की वीडियो टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर है, मान लो आपने उस वीडियो में 5 टिप्स दे रखी है किसी चीज के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन 5 टिप्स को डिवाइड कर सकते हो 1-1 मिनट के वीडियोस में, और उस 1 मिनट की वीडियोस को इस्तेमाल कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस तरह से काम करते हो, उसको 1-1 मिनट की वीडियो में डिवाइड करते हो, तो आपको कम से कम 5 वीडियोस मिलेंगी, यानी कि 5 कंटेंट आपके इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक यूट्यूब वीडियो आपने 5 से 6 मिनट की बनाई, उसको कट करके आपने इंस्टाग्राम के लिए 5 से 6 कंटेंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो, आप उसी में से कीवर्ड्स की पॉइंट चुन करके उन 5 से 6 वीडियोस में से, ठीक है, या फिर आपकी जो यूट्यूब वीडियो है उसमें से आप एक फोटो पोस्ट बना सकते हो और उसको भी इंस्टाग्राम पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक वीडियो से आप इंस्टाग्राम के लिए पूरे 1 वीक का अपना कंटेंट बना के रख सकते हो, अगर आप रेगुलर पोस्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम, अगर इसी चीज को आप फेसबुक पर भी कर सकते हो, ठीक है, जो इंस्टाग्राम का आपका कंटेंट है, इसको आप फेसबुक पर भी यूज कर सकते हो, आपके पेज पे, आपकी प्रोफाइल पे, कहीं पे भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर हो तो देखो, ओमनी प्रेजेंट होना, यानी कि हर एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना जरूरी है आपके लिए। लेकिन अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हो तो आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म चुन लो और उन पे मेहनत करो और वहां पर ग्रो करके अपने ऑडियंस को अलग अलग जगहों पर बांट दो। ठीक है, अब अगर आप शुरू करते हो तो आप क्या करो, आप YouTube, Instagram पर शुरू करो, और LinkedIn इस वक्त काफी अच्छा आपको ऑर्गेनिक रीच दे रहा है, जहां पर आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉगिंग में से कुछ की पॉइंट्स उठा करके, सेम बात है, की पॉइंट्स उठाकर आपने आर्टिकल, एक छोटा आर्टिकल LinkedIn पर पोस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि उसी एक कंटेंट से आप LinkedIn के लिए भी कंटेंट बना सकते हो। अगर आप ब्लॉगर नहीं हो, आप YouTube की वीडियो डायरेक्ट बनाते हो, तो आप एक एप्लीकेशन रेव आता है, उसका इस्तेमाल करके, रेव एप्लीकेशन आता है, उसका इस्तेमाल करके आप ट्रांसक्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट, ठीक है, जो आपकी वीडियो होगी उसका टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, उस टेक्स्ट में से आप चीजों को उठा करके आपको टाइप ना करना पड़े, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आप उसी कंटेंट को टाइप कर सकते हो अपने LinkedIn को आर्टिकल बनाने के लिए। ठीक है, आपके LinkedIn का वो आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप पहले 1 हफ्ते का इंस्टाग्राम का कंटेंट बना लिया, उसके बाद आपने एक LinkedIn का कंटेंट बना लिया और एक यूट्यूब वीडियो बना ली। ठीक है, यानी कि एक ही कंटेंट को आपने 3 जगहों पर डिवाइड कर दिया। वैसे इनिशियल लेवल में आप इन 3 जगहों पर रहो तो काफी अच्छा है, अगर आप LinkedIn पर नहीं जाना चाहते हो देन YouTube और Instagram यहां पर रहो, या फिर अगर आप एक पे रहना चाहते हो तो आपको कंटेंट डिवाइड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे। तो इस तरह से आप कंटेंट डिवाइड करके अलग अलग जगहों पर जा सकते हो। अब बात आती है पॉडकास्ट की। ठीक है, अब आप किस तरह से अपना पॉडकास्ट क्रिएट करोगे। देखो, पॉडकास्ट आप फ्री में भी क्रिएट कर सकते हो, पॉडकास्ट आप पे करके भी क्रिएट कर सकते हो। तो फ्री में कैसे क्रिएट करोगे, प्लस आप पॉडकास्ट से किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, उसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप यहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ही कंटेंट से कैसे आप उसको अलग अलग सोशल मीडिया पर भी डालोगे, प्लस उसका पॉडकास्ट भी बनाओगे। ठीक है,
देखो आपने हमने इनिशियली बात की थी कि आपने 5 से 6 मिनट की वीडियो बनानी है YouTube के लिए। अब आपने वो जो वीडियो बनाई है YouTube के लिए, जो वीडियो बना रखी है आपने, उस वीडियो का आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऑडियो एक्सट्रैक्शन आप जानते हो, आराम से कर सकते हो, फोन से भी हो सकता है, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास वीडियो नहीं है, आप YouTube पर डाल चुके हो, तो सीधा आप स्नैपट्यूब से सीधा केवल ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उस ऑडियो को आप anchor.fm का यूज़ करके अपना पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो। आप ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपने ऑडियो एक्सट्रैक्ट की और ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसी को आपने एज अ पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचा दिया है ना। अब देखो पॉडकास्ट आपने बना दिया है, आपने इंस्टाग्राम का कॉन्टेंट बना लिया है, आपने लिंक्डइन का कॉन्टेंट बना लिया, आपने यूट्यूब का कॉन्टेंट बना लिया है, अगर आप ब्लॉगर हो तो आपने ब्लॉग भी बना दिया है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो आपने ये सारी चीज़ें कर दी, जो आपका पॉडकास्ट है, अब उस पॉडकास्ट एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, ठीक है। पॉडकास्ट एक काफ़ी लॉन्ग टर्म गेम है, तो आपने वो पॉडकास्ट बनाते रहे, जैसे जैसे आपकी एक वीडियो बनाती गए उसी को आपने एज अ पॉडकास्ट यूज़ कर लिया, ठीक। अब उस पॉडकास्ट की मार्केटिंग आपने अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे कर दी, आपने यूट्यूब पे कर दी, आपने इंस्टाग्राम पर कर दी, उससे क्या हुआ कि आप हर जगह पर ग्रो होंगे, हर जगह पर आपको लोग देखेंगे, यानी कि आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ब्रांड रिकॉल जो होगा आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार का कॉन्टेंट बना करके अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपका क्वेरी है, ठीक है। तो अपनी क्वेरी को आप ज़रूर बताओ ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिले जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।